नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सिद्धार्थ नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 516 ग्राम चरस के साथ तस्कर को धर दबोचा। सिद्धार्थ नगर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जिले के जिला अध्यक्ष को निर्देश दे रखे हैं। आज थाना कठेला समय माता थाना प्रभारी सौदागर राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तेनुआ बंधा के समीप एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 516 ग्राम अवैध चरस किया गया बरामद। बरामद अवैध चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 5 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुखारी सोबराती मिश्रौलिया थाना के टेहुआ ग्राम के मोहम्मदपुर निवासी के रूप में हुई है। अभियुक्त के ऊपर जिले के मिश्रौलिया थाने में 5 व त्रिलोकपुर थाने में एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने घटना के बारे में बताया कि जनपद सिद्धार्थ नगर में नव निर्मित थाना कठेला के प्रभारी सौदागर राय की टीम ने अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। इसका नाम सुखारी है, जिसके पास से 516 ग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। अभियुक्त पूर्व में 6 बार जेल भी जा चुका है। चोरी व चरस सप्लाई की घटना में इसके नेटवर्क कहां से जुड़े हैं, इसकी भी तलाश की जा रही है। जल्द ही नेटवर्क से जुड़े लोगों को जेल भेजा जाएगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। चरस के साथ कितनी मात्रा में पकड़ी गई है, क्या है इसका मामला? जनपद सिद्धार्थ नगर के नवनिर्मित थाना कठेला में आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इंस्पेक्टर सौदागर राय की टीम के द्वारा की गई है। सुखारी इस व्यक्ति का नाम है। 516 ग्राम चरस इसके पास से बरामद हुई है। ये व्यक्ति पूर्व में 6 बार जेल जा चुका है। इनमें से कुछ चोरी के मुकदमे हैं, कुछ चरस बरामदगी के मुकदमे हैं। आज जो बरामदगी हुई है, 516 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। इसमें नेटवर्क को भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, ये कहाँ से चरस को लाता था और कहाँ भेजता था। जो भी इसमें नेटवर्क पाया जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।